हमारे उत्तर प्रदेश में नारा लगाया गया था कि मायावती ने नारा दिया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हमारी गोली गुंडों की छातियों में होगी, लेकिन उल्टा हो गया था। चल गुंडों की छाती पर गोली मारो छाती पर ये नारा दिया था, लेकिन बसपा की सरकार आते ही गुंडे चढ़ गए हाथी में, गोली मारे छाती में। यही पश्चिम बंगाल के साथ हुआ है। जो कम्युनिस्टों के गुंडे थे टीएमसी के साथ आकर के आज पूरे प्रदेश में ना कोई महिला सुरक्षित है ना कोई पुरुष सुरक्षित है। मैं आज तथ्यों के साथ मैं वहां भी बात करना चाहती थी और आज भी आपके बीच में शेयर जरूर करना चाहूंगी। यदि हमारा पक्षपात करने का इरादा होता, हमारी पश्चिम बंगाल की हमारी जनता, यदि पक्षपात करने का तरीका होता तो आप 9 साल बनाम 9 साल का रिकॉर्ड भी आप रिकॉर्ड करिएगा। मैं आपसे अनुरोध करती हूं, जिस सरकार मनरेगा का विषय लेकर के जिस सरकार में ये साजिद मनमोहन सिंह जी की सरकार में और ये एक्ट 2005 में आया था, 4 महीने की सरकार बनी, 5 से लेकर के 14 तक कितने साल होते हैं, 9 साल होते हैं। 9 सालों में यूपीए की गवर्नमेंट में 4,400 करोड़ अकेले दिया जाता है मनरेगा में। कितना दिया जा रहा है? 14,400 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है मनरेगा में सिर्फ अकेले? अब आप देखिए 9 सालों में हमारी सरकार के समय 54,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। हम पक्षपात कहां कर रहे हैं? यदि पक्षपात करना होता तो ये आंकड़े बताते हैं। आप इसको देखिए, कहां 14,000 करोड़ रुपया, 14,000 और कहां 54,000, चौगुने का फर्क है। प्रधानमंत्री आवास जिसमें इन्होंने अपात्रों को दिया, शिकायत पर कार्रवाई हुई, पात्र वंचित है, उसमें भी आप देखिए यूपीए की सरकार में जो इंदिरा आवास चलते थे उसमें 4,400 करोड़ रुपया दिए गए 9 सालों में। कितना दिया गया आप थोड़ा बोलते जाइए ना, आपको रिकॉर्ड याद रहेगा। 4,414। मोदी जी की सरकार ने कितना दिया? 30,000 करोड़ रुपए दिए प्रधानमंत्री आवास में। तिगुना चौगुना का अंतर हो गया ना, छगुना अंतर हो गया। अब आप देखिए, यदि हमें प्रदेश सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करना होता तो हम अन्य मद का पैसा रोक सकते थे। मनरेगा में गड़बड़ियां हुई 2020, 2019, 2020, 2021 लगातार 3 साल पत्र लिखे गए। हुबली कई जिलों में एक एक गांव पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ, उसको हमारी सरकार ने, हमारे सेक्रेटरी ने, हमारे मंत्री ने पत्र लिखा कि जिन्होंने गड़बड़ी की उनके ऊपर कार्रवाई करिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको इसलिए पूरा डेटा लेकर के आई हूं, टीएमसी के लोगों ने कहा कि साध्वी जी भग गई, हमसे मिली नहीं। मैं आज पश्चिम बंगाल में आई हूं, जहां भी उनको बैठना हो मेरे साथ बैठ करके वार्तालाप करें। यदि वो चाहें ग्रामीण विभाग के मंत्रालय में बैठना हो तो मैं वहां भी बैठने के लिए तैयार हूं, मैं क्योंकि पूरा प्रारूप लेकर के आई। लेकिन उनको बात नहीं करनी, उनको पश्चिम बंगाल की जनता को बेवकूफ बनाना है, नौटंकी करना है। दूसरा विषय, मुझे उम्मीद थी कि ममता बनर्जी जी महिला है, इस पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का काम कर रही होगी। लेकिन जब मैंने अपने मंत्रालय से पूरा विषय मंगवाया तो आप कल्पना करिए, वर्ष 2014 के पहले इस प्रदेश में आवास कितने बने थे, और आज मोदी जी की सरकार में 2014 के बाद लगभग 45 लाख मकान हमने दिए हैं। यदि हमें पश्चिम बंगाल की जनता के साथ हमदर्दी नहीं होती और इनके यूपीए की गवर्नमेंट के सरकार के समय जो इंदिरा आवास थे, ये 45 लाख तो हमने मकान दिए, इंदिरा आवास 10,21,000 वो अपूर्ण घर हमने पूर्ण किए।
यदि हमें पैसा नहीं देना होता तो हम ये नहीं कर सकते थे। हम पश्चिम बंगाल की जनता के साथ छलावा नहीं करने दे